अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इसी दुआ के साथ हम अपनी न्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गला बना रहे हैं गोल गला पेटल के साथ। ये ट्राइंगल पेटल हमने काट लिए हैं। इनकी 3 इंच लंबाई है, चौड़ाई है, और 2 इंच इसकी लंबाई है। देखें आप, हमने गला बनाया, गला हमने 4 इंच रखा है, इसकी चौड़ाई रखी है, और लंबाई इसकी हमने 7 इंच रखी है। और ये पेटल हमने प्रेस करके रख लिए हैं इस तरह से। देखें आप, प्रेस करके रख लिए हैं। अब हम इसे शेप देंगे अच्छी से ट्राइंगल में। पहले हम इसे सेट करेंगे इस तरह से, समोसा सा बनाएंगे इस तरह से। अब इसके एक एक पीस और ऊपर कर देंगे दोनों। तो ये देखें, ये अच्छी सी लुक इसकी आ जाएगी इस तरह से। इसी तरह हम अपने सारे पेटल्स बना के रख लेंगे, और जब गला लगाएंगे तो साथ साथ उठा के उसके अब हम गला बना लेंगे। गले के अंदर की सिलाई करेंगे। अंदर की सिलाई करने के बाद अंदर से कट लगाएंगे, कटिंग करेंगे। ये मैंने पहले सिखाया हुआ है इसलिए। तो उसके बाद हम इसकी तरपाई कर देंगे, पिन्ने साथ साथ लगा लिया करें, फिर कपड़ा इधर उधर नहीं होता। और जब सिलाई करते हैं तो पिन्ने साथ साथ उतारते जाते हैं। अब हम इसके अंदर से कटिंग कर लेंगे, और कटिंग के बाद हम इसकी तरपाई करेंगे। तरपाई के बाद हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब हमने यही पेटल उठा उठा के इसके अंदर लगाने हैं, इसी तरह से इसी शेप में लगाने हैं, साथ साथ लगाते जाना है। साथ साथ हमें ये लगाते जाना है, सेट करते जाना है इसे। देखें इसकी लुक अच्छे लग रहा है, अच्छे से बन रहा है। इसी डिज़ाइन को आप बाजू पे भी बना सकते हैं, आप इसे बॉटम पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे अच्छा लगता है, दामन पे भी बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत है, लगता अच्छा है ये। अब हमने जब ये गला बनाते हैं तो चौड़ा हो जाता है, हल्का सा पानी लगा के इसे राउंड शेप देनी है हमने। ये अपनी असली हालत में आ जाता है, राउंड हो जाता है। अब हमने ये थोड़े से इस तरह से इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से हमने इस नीडल की हेल्प से हमने इसमें स्टिच लगा लेने छोटे छोटे, ताकि ये मजबूत भी हो जाए। और ये जिस तरह ये इधर उधर हो रहे हैं, ये फिर इधर उधर नहीं होते, इस तरह से अपनी जगह पर परफेक्ट रहते हैं। देखें अब ये इधर उधर नहीं होंगे ज़रा भी, और एक जैसे ही दिखाई देंगे। देखें आप, ये गला हमारा कितना नीट क्लीन बना है, देख सकते हैं आप। इसे हम इस तरह से भी बनाएं तो ये अच्छे लगते हैं। हम इस पे लगाएंगे आज पर्ल। बैक साइड भी हमने बना ली, बैक गला भी हमने बना लिया। देख लें इसकी फिनिशिंग अच्छा बना है, आप भी बना सकते हैं। हमने प्रिंट पर बनाया, आप इसे सिंपल प्रिंट के साथ सिंपल ट्राउज़र जो होता है, ट्राउज़र के कपड़े से बनाएं तो ये और भी अच्छा लगता है। इसका कपड़ा ट्राउज़र का बहुत ही लाइट कलर था, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया, मैंने प्रिंट के साथ ही बना दिया। ये अच्छा लग रहा है। अब हम इस पे पर्ल लगाएंगे। देखें नीडल की हेल्प से 3-3 4-4 स्टिच आप 3-3 लगाते जाएँ, ताकि ये बाद में लूज़ ना हो। अक्सर ये वाश वगैरह करने से लूज़ हो जाते हैं और फिर उतर जाते हैं। थोड़े थोड़े इसे मज़बूत करते जाएं। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, ये दामन पे भी हम बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत है, लगता अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है, मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अल्लाह हाफिज़।